नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आमला, नव दिवसीय दुर्गा उत्सव का समापन बुधवार दशहरा उत्सव के साथ हुआ। वहीं नगर की त्रिदिवसीय मूर्ति विसर्जन परंपरा का दौर शुरू है। उत्सव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वहीं शांति व्यवस्था बनाने आमला पुलिस पूर्णतः मुस्तैद है। दशहरा उत्सव की बात करें तो नगर में दशहरा उत्सव समिति द्वारा पुलिस मैदान, नवयुवक गांधी व्यापारी संगठन ने बोड़की में, इधर साई स्पोर्ट्स क्लब ने भवानी नगर एवं रेलवे दुर्गा उत्सव समिति ने लोको ग्राउंड में रावण एवं मेघनाथ के पुतलों का दहन कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम दशहरा मैदान पहुंचा था। धूमधाम से विसर्जन को निकली माता। प्रथम दिन छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। आज सार्वजनिक प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हुआ। इस दौरान सार्वजनिक समितियों द्वारा नगर में भव्य चल समारोह भी निकाला जा रहा है। इस दौरान नगरवासियों द्वारा चल समारोह में चल रहे लोगों का पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। चल समारोह में चल रहे लोग विभिन्न प्रकार के परिधानों में नाच गाकर विसर्जन की गरिमा बढ़ा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र लग रहा है। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।